आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, कोई अगर उनको उपाधि दो तो अंबेडकर नगर के सोनू सूद कहे जा सकते हैं। हमारे साथ हैं अंशु सिंह बग्गा जी, जो कि समाज सेवी हैं अंबेडकर नगर में और बहुत ज्यादा समाज सेवा का काम इन्होंने किया है। कि समाज सेवा का ख्याल कहाँ से आया और या फिर किससे प्रेरणा मिली, क्योंकि जिस समाज में हम लोग रहते हैं हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है या फिर बिजनेस करके पैसा कमाना चाहता है, इस फील्ड में बहुत ही कम लोग आना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस इन सब चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले तो धन्यवाद आलोक जी आपका और रेडियो एफएम का, जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ। सबसे पहली बात, हर धर्म ही सेवा को प्रेरित करता है। मेरे आइडियल मेरे ग्रैंडफादर रहे, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। चूंकि हम ऐसे परिवेश में रहे, ऐसे हमारे ब्लड में रहा कि समाज सेवा हमारे ग्रैंडफादर के टाइम से ही चलता आया, तो मैं आइडियल उन्हीं को मानूंगा। वो दीपावली के टाइम किया था, 2004 में एक मिट्टी के बर्तन वाला लगाया हुआ था। तो हम लोग जाते देखते थे, उसके पास कोई कस्टमर नहीं थे ना, उसके पास सामान था उस तरीके से कि वो बेच सके। जिसके पास सामान भी थे तो बहुत अच्छे नहीं थे, तो उनके पास हम लोग गए, बात किया, बेचारा बड़ा निराश था। तो उस वहाँ से समाज सेवा एक शुरू हुई। हम लोगों ने फिर उसको 2004 में एक इलेक्ट्रॉनिक चाक की मशीन दी, शर्त दी कि आपको इसको साल दो साल तीन साल में इससे कमा के इसको वापस करना है। तो वहां से एक शुरू हुआ हमारा एक कारवा, और आज ईश्वर की असीम कृपा है कि हम लोगों ने 11 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, 11 लोगों को काम दिया है वो उस चीजों से। क्योंकि वो फर्स्ट वाले ने मोड़ा, सेकंड वाले को दिया, सेकंड वाले ने मोड़ा कमा के थर्ड वाले को दिया, तो एक चैन बन गई है एम्प्लॉयमेंट की। काम मतलब समाज सेवा या फिर किसी की मदद करने के बाद दिल को थोड़ा सुकून मिलता होगा। असल बात में हमारा स्वार्थ ही है समाज सेवा। अगर ये कोई कहे कि स्वार्थ नहीं है तो ये गलत है। हमारा स्वार्थ है समाज सेवा में, स्वार्थ सिर्फ ये है कि सेटिस्फेक्शन बहुत, रात में नींद बहुत, तो ये गलत है। हमारा स्वार्थ है समाज सेवा में। इसी के माध्यम से मैं ये पूछना चाहूंगा या लोगों को और कहना चाहूंगा कि जो लोग सड़कों पर अपने पशुओं को छोड़ देते हैं दूध निकालने के बाद, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, शुरुआत तो यही से हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कहा। मैं अपने दिल का एक गुबार भी निकालूंगा इस माध्यम से। बिल्कुल। कि असल बात में तब तक वो बेजुबान आपके पेट होते हैं जब तक वो आपको कुछ देते हैं। जैसे ही उनसे स्वार्थ निकल जाता है तो आप सड़कों पे छोड़ देते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद आप उन्हीं के लिए लड़ाई करते हैं, उन्हीं के लिए लोगों को मारते हैं। तो क्या ऐसी कमी है उन जानवरों में या आप में, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। आप जब तक वो दूध देते हैं तब तक, जब तक वो गोबर देते हैं, जब तक वो आपको बिजनेस देते हैं तब तक तो वो आपके हैं। बहुत अच्छी आती है रेडियो अम्बेडकर नगर। दुनिया में कहीं भी सुनने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो अम्बेडकर नगर का अपना एप्लीकेशन, रेडियो अम्बेडकर नगर।